व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक रीजन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोटो में कपड़े कैसे चेंज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये जो क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपने फोटो के कपड़े कैसे चेंज करते हो इतने परफेक्टली तरीके से। तो गाइस, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना विदाउट स्किप, तभी आप इस टाइप के कपड़े जो है वो चेंज कर पाओगे एकदम परफेक्टली तरीके से। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस टाइम मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो गाइस, जिस टाइप के आपको कपड़े चेंज करना है ना, उस टाइप के ही आपको कपड़े पहनकर फोटो को क्लिक कराना होगा। तो गाइस, मैं थोड़ा सा कपड़े वाइट कलर के ही चेंज करूँगा एंड उसमें जो कॉलर होंगे वो गाइस वाइट ही कलर के होंगे। तो मैंने यही सोचा कि वाइट कलर की टी शर्ट या शर्ट पहनी जाए जिससे एकदम परफेक्टली चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपसे यही मैं रिकमेंड करूँगा मैं कि आपको वही कपड़े पहनना है जिस टाइप का आपको चेंज करना है। उसके बाद सिंपली गाइस आपको पिक्सल प्रो एप्लीकेशन ओपन करना है। देन गाइस आपको जो भी बैकग्राउंड चेंज वगैरह आपको करना है वो कर लेना है। एंड जो आपके जो कपड़े हैं वो गाइस वो आपको रिमूव कर देना है एंड आपको अपना फेस ही रहने देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यही कर रखा है, जो मेरे कपड़े हैं वो मैंने सारे कट कर रखे हैं एंड मेरा फेस ही यहाँ पर रह चुका है। ठीक है, अब गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ से नीचे आपको गाइस चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एडजस्ट, इफेक्ट, स्टिकर एंड एक्सपोर्ट। तो आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन गाइस आपको सेकंड नंबर इंसर्ट पिक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपने कपड़े को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी कपड़े का कटआउट कर रखा है। गाइज, अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप के कपड़ा डाउनलोड करना तो सिंपली आपको PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने फोटो में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको एडजस्ट कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज देख सकते हैं, आपको इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है उस टाइप का ही आपको इसको एडजस्ट करना है। तो गाइज अगर आप पतले हैं तो सिंपली गाइज आपको करना क्या है, ये साइड का इसको आपको पकड़ना है, देन इसको गाइज आपको स्ट्रेच करना है अंदर की ओर, जिससे गाइज ये पतला हो जाएगा। एंड अगर आप मोटे हैं इसको इस टाइप से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज आपको अच्छे थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है, माइंड का यूज़ करके ही आपको इसको एडजस्ट करना है जिससे आप परफेक्टली इसको एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद सिंपली गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो आपको एक टिप्स बताता हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसको एडजस्ट करना है एंड आपके जो कॉलर हैं उस पर गाइज आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप कॉलर पर ध्यान दोगे तो आप एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो सिंपली गाइज आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन गाइज आपके जो कॉलर हैं यहाँ पे गाइज आपको इसको इरेज कर देना है। अगर आप कॉलर पे ध्यान दोगे तो एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे एंड कभी भी आपका परफेक्टली कपड़े चेंज नहीं होंगे गाइज। ठीक है, अगर आपके अच्छे से नहीं हो पाए तो थ्री डॉट पे क्लिक करके आप ट्रांसफॉर्म में जाके दोबारा भी आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं गाइज। तो कॉलर पे आपको इरेज कर देना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ से फोटो को जूम करके दिखा देता हूँ गाइज, एकदम परफेक्टली तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब गाइज आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से फोटो को जूम करके देख सकते हो आप, कॉलर आपको कैसे एडजस्ट करना है वो गाइज आपको मैं यही बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंसर्ट पिक्चर पर आपको जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद यही जो फोटो की PNG थी वही आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड का जो कॉलर है उसको एडजस्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि दोनों एक बार में नहीं हो पाएंगे गाइस, एक एक करके ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली गाइस आपको इसको एडजस्ट करना है। देन आपको फोटो को जूम करना है, इसको जूम करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपेसिटी को फुल कर देना है, इरेज कर देना है। उसके बाद आपको ड्रॉ टू सिलेक्ट करना है, ओपेसिटी स्ट्रेंथ आपको फुल ही रखना है। देन गाइस आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसको इरेज ड्रॉ करते जाना है। तो जब आप इसको पूरा ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक साइड का जो कॉलर है वो गाइज आपको परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना परफेक्टली हमने कॉलर को एडजस्ट कर लिया है। तो उसके बाद आप इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, फिर से गाइज आपको इंसर्ट पिक्चर पे आना है। उसके बाद दूसरा कॉलर जो है उसको गाइज आपको क्रॉप करना है सिंपली। तो दूसरा कॉलर को भी हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं सिंपली। इसको क्रॉप करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल इसको अपने फोटो पर एडजस्ट कर देना है गाइज। एडजस्ट करने के बाद सिंपली ओपेसिटी को आपको फुल करना है। देन गाइज आपको यहाँ से इसको ड्रॉ करते जाना है। तो ड्रॉ जब आप करोगे एकदम परफेक्टली तरीके से एंड दोनों जो कॉलर हैं वो गाइज आपको परफेक्टली एडजस्ट आपके फोटो में हो जाएंगे, देख सकते हो गाइज। अब मैं आपको बताऊंगा आपको रियलिटी में कैसे इसको चेंज करना है। ठीक है गाइज, तो उसके लिए आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में आपको पेंट मास्क सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो आपको अपने फोटो पर ड्रॉ कर देना है जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ को आपको 30 रखना है इरेजर की। उसके बाद इस टाइप से आपको इरेज करते जाना है जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज करने के बाद आपको एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सपोजर कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको एक्सपोजर सिलेक्ट कर देना है।
उसके बाद गाइस आपको सिंपली इसके एक्सपोजर को कम करते जाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अपने फोटो के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कंट्रास्ट जो है आपको 10 या 5 जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, शेडो भी यहाँ से हमारी क्रिएट हो चुकी है एंड हमारे फोटो की परफेक्टली देख सकते हैं गाइस हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो गाइस टिप्स आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।